हेलो स्टूडेंट, सर डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड में आज हम टैरिडोफाइटा के करैक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। टैरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। वैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले आने वाले प्लांट्स में जिसके अंदर सघन उत्तक का विकास हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो ज़मीन पर आए, और इसलिए इनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं इनके जहाँ पर रेप्टाइल्स के अंदर बोन का निर्माण हुआ है, तो इनको हम रेप्टाइल वनस्पति जगत के अंदर इनको रेप्टाइल के समकक्ष माना गया है। क्रिप्टोगेम्स जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, प्रेजेंट है लेकिन विजिबल नहीं है, और इनका जनन स्पोर के थ्रू होता है। और साथ में ही इस पे जो स्क्रीन पर फर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टैरिडोफाइटा ये इनमें पत्तियाँ और स्टेम और रूट ये तीनों ही पार्ट्स इनके स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मेन डोमिनेटिंग जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, स्पोर को बनाने वाली, और टू सेकेंड अल्टरनेटिव जिसमें गैमेटेंजिया बनते हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेज है। प्लांट किंगडम के अंदर टैरिडोफाइटा के अंदर टू स्टेजेस, गैमेटोफिटिक गैमेट बनाने वाली और स्पोर बनाने वाली जो डिप्लॉयड है, और गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो हैप्लोइड है, ये एक दूसरे में इंडिपेंडेंट सर्वाइव करती हैं, और इनको अलग अलग से इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो और एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट जब इसमें फर्स्ट रूट एंड स्टेम का नहीं बन जाती तब तक ये गैमेटोफाइट पर कुछ समय पर यहाँ सर्वाइव करती है, लेकिन टू स्टेजेस वो इंडिपेंडेंट रहती है। और इनकी कुछ पत्तियों जिसके ऊपर स्पोर्स लगते हैं जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं, और ये स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया लगते हैं, और ये जो स्पोरेंजिया हैं ये जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन के समय इसमें अर्धगुणसूत्री विभाजन से स्पोर की गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है या हैप्लोइड हो जाती है, और ये अंकुरित होके सॉइल पर एक थैलस गैमेटोफाइट स्टेज बनाते हैं। इनके अंदर आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया मेल फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन है जो गैमेटेंजिया पे लगते हैं। आर्किगोनिया में आर्किगोनेट प्लांट में ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड टैरिडोफाइट ये तीनों के अंदर जिसमें आर्किगोनिया पाई जाती है, और इस तरह से इनके जो प्लांट्स हैं और ये हम इनको डिवाइड किया है इनके विकास के अकॉर्डिंग। साइलोपसीडा में स्क्रीन पर ये साइलोटम इसमें दिखाई दे रहा है, और इनमें लीफ का अभाव होता है क्योंकि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और कम विकसित वाले वैस्कुलर सिस्टम इसमें उपस्थित होते हैं, और रीफ का प्रादुर्भाव या इसका ओरिजिन अभी नहीं हो पाया, और जो ब्रांच है वो भी प्रीमिटिव है जिस पर डाइकोटोमस द्विभाजित है, और अंडरग्राउंड स्टेम इसी तरह से इसमें पाया जाता है जो कि एज ए राइजोम जिसे हम कहते हैं, और इसके ऊपर माइकोराइजा फंगस का एसोसिएशन मिलता है जो अब्जॉर्प्शन में स्टेम को ये देता है अंडरग्राउंड स्टेम को, और ट्रायलूब्ड यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है जिसको हम सिनेंजियम कहते हैं ये डायरेक्टली स्टेम के ऊपर ही लगते हैं इसके साइलोपसीडा में। और इसी तरह से सेकंड जो लाइकोफाइटा के मेंबर जो थोड़े एडवांस है, और लाइकोसीडा के अंदर लाइकोपोडियम यहाँ दिखाई दे रहा है जिसपे लीफ है वो स्पायरली अरेंज है, कुछ जो ब्रांचेस हैं ज़मीन से लगी हुई हैं जिसे प्रोस्ट्रेट, और कुछ एरियल
और इरेक्ट ब्रांचेस यहाँ दिखाई दे रही है। डायकोटोमस ब्रांचिंग है जिसमें एक ब्रांच की जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी हो रही है और एक साइड में रह जाती है, तो ये एक फॉल्स मोनोपोडियल की आभास दे रहा है। और इनके एपिक्स पर जहाँ पर लीव्स हैं वो कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल लीव्स हैं, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। बहुत सारे स्पोरोफिल मिलकर एक ग्रुप के अंदर एपिक्स पर जिनके एक्सेस जुड़ गए हैं, तो एक कॉम्पैक्ट स्पोरेंजियम का एक स्ट्रक्चर जिसे हम स्ट्रोबिलस या कॉन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड जो मेंबर है सिलेजनेला, सिलेजनेला के अंदर ये सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है जहाँ पर, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस ये है कि इनमें लिग्युलोप्सीडा और इलिग्युलोप्सीडा सब क्लास। इलिग्युलोप्सीडा जिसमें लीव्स के नीचे एक स्मॉल ओरिजन एक ग्रोथ होती है, छोटी सी लीफी स्ट्रक्चर, वो एब्सेंट है वो लाइकोपोडियम में, जहाँ पे प्रेजेंट है वो इसमें सिलेजनेला में पाई जाती है ऐसी। और ये इनमें जो स्पोर में भी डिफरेंस है कि यहाँ पे स्पोर का जो टाइप है एक ही तरह का स्पोर होता है लाइकोपोडियम में, लेकिन सिलेजनेला में इसमें दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, और ये एक साइज़ में छोटे और एक इनमें साइज़ बड़ा पाया जाता है मेगास्पोर। मेगास्पोर जर्मिनेट होके मादा जननांग या फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जबकि होमोस्पोर जो एक ही तरह के स्पोर जहाँ बनते हैं वो सेम थैलस, एक ही तरह के थैलस जिसमें दोनों तरह के गैमेटेंजियाँ प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो लीफ का अरेंजमेंट है जिसमें छोटी लीव्स है वो अपर डॉर्सल पोर्शन पर है और लार्ज लीव्स है वो बेंट्रल सेल पर, जिससे कि जो इसमें जो धूप है वो प्रॉपर तरीके से जा सके। इसी तरह से सबसे जो एडवांस ग्रुप है वो फर्न माना गया है, जहाँ पर इसके अंदर उनका जो डेवलपमेंट है वो हर प्रकार से ज़्यादा है, और जिसमें लीफ है वो लीफी जो स्ट्रक्चर है वो उनका साइज़ बड़ा है स्टेम के ना कंपैरिजन में, इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, और जबकि इनके अंदर स्टेम रिड्यूस होता है जिसे हम राइजोम कहते हैं, और ये छोटे ही साइज़ में रहता है। और ये मेगाफिलस भी कहा जाता है, जिन पत्तियों में साइज़ बड़ी होती है उनको मेगाफिलस, तो मेगाफिलस। और इनमें एक स्पोरिंजिया ग्रुप बनाते हैं जिसे हम सॉरस कहते हैं, और मार्सिलिया के अंदर जो सबसे एडवांस है यहाँ पे सॉरस एक बायवॉल्व स्पोरोकार्प जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो उसके अंदर ही निहित रहते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर जो कि सर्वाइव करने के अंदर ये सक्षम है। फर्न में एक पत्तियों में एक करैक्टर पाया जाता है जिसमें पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, और ये जो कर्ल होती हैं यंग कंडीशन में और जैसे जैसे मैच्योर होती हैं वो कर्ल ओपन हो जाता है, और ये जो है मैच्योर होने पर ये ओपन हो जाती है, और इस तरह से सर्सिनेट वर्नेशन इनमें पाया जाता है। और ये सॉरस यहाँ पे जो लीव्स के वेंट्रल सरफेस पर बहुत सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो टारिडोफाइटा ये जिसमें फोर ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके प्रत्येक क्लासेस के करैक्टरिस्टिक को हम और उनके मेंबर के साथ में और इसको एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे।